तो दोस्तों ये है मेरे पास आज Realme Buds T110 ट्रूली वायरलेस ईयरबड, और इसका जो प्राइस है वो आप सबको 1500 की रेंज में ये ईयरबड मिलने वाला है। तो अगर आप सभी Realme Buds T110 ईयरबड्स को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सबको Realme Buds T110 ईयरबड्स का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, कॉल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, एंड गेमिंग के लिए क्या जो ये ईयरबड है बेस्ट होने वाला है, यानी क्या ये हमारा जो ईयरबड है वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में मैं आप सबको Realme Buds T110 ईयरबड्स का फुल डिटेल रिव्यू बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसके चार्जिंग केस का फिजिकल ओवरव्यू, लुक, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये इसका चार्जिंग केस, तो ये जो चार्जिंग केस आप सबको ओवरऑल पूरा का पूरा आप सबको मैट फिनिशिंग में देखने को मिलते हैं, मैट होने के कारण आप सबको इस पे स्क्रैच वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वही आप सबको फ्रंट में Realme का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं, छोटा सा एलईडी इंडिकेशन देखने को मिलते हैं, नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एंड ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ से जो हमारा चार्जिंग केस है वो ओपन हो जाता है, एंड ओपन होने के बाद आप सबको यहाँ पे येलो कलर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हमारा चार्जिंग केस है ये ड्यूल टोन कलर के साथ में आता है। तो यहाँ पे ड्यूल टोन होने के कारण इसके जो लुक डिजाइन है काफी ज्यादा स्टाइलिश आप सबको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वही बात करें इसकी मैग्नेट की क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे जो मैग्नेट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का यहाँ पे मिलने वाला है। वही बात करें इसके हिंच की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे हिंच क्वालिटी भी इसका काफी ज्यादा बेस्ट आप सबको मिलते हैं। एंड वही बात करें इसके ईयरबड्स की, तो ये जो हमारा ईयरबड्स है ये इन ईयरबड के ईयरबड आते हैं, यानी कि आप सबको यहाँ पे सिलिकॉन के ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप सब अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। एंड ये जो हमारा ईयरबड्स है काफी ज्यादा स्मॉल साइज एंड काफी लाइट वेट है। वही बात करें इसकी फिटिंग एंड कंफर्टेबल, तो यहाँ पे इसकी फिटिंग एंड कंफर्टेबल काफी सही है, गिरने के जो चांस है वो बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। वही बात करें इसके टच रिस्पॉन्स, तो टच रिस्पॉन्स का काफी स्मूथली तरीके से वर्क करता है, टच में भी आप सबको किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं Realme Buds T110 ईयरबड्स के फीचर्स के बारे में। तो इसमें आप सबको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है। साथ ही में आप सबको यहाँ पे गूगल फास्ट पेयरिंग का भी ऑप्शन मिलते हैं, एंड इसमें आप सबको Realme लिंक एप्लीकेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप सब इसे एप्लीकेशन के साथ लिंक कर लेते हो तो आप सब इसके फीचर्स को बहुत ही सिंपल तरीके से यूज कर पाओगे, एंड साथ ही में आप सब इसके टच कंट्रोल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे म्यूजिक के लिए आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर मिल जाते हैं, कॉलिंग के लिए आपको यहाँ पे AI ENC माइक मिलने वाले हैं, एंड गेमिंग के लिए आपको यहाँ पे 88 ms के अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाते हैं, एंड म्यूजिक के लिए आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग का सपोर्ट भी मिल जाते हैं। वही अगर आप सब इसे वर्कआउट या जिम वगैरह के लिए बाय करना चाहते हो तो इसमें आप सबको IPX5 का स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं। वही बात करें इसकी बैटरी लाइफ के बारे में, तो टोटल यहाँ पे आपको 38 hours का बैटरी प्ले टाइम मिल जाते हैं, जो की फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। और अब हम बात कर लेते हैं Realme Buds T110 ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग में इसका कैसा रिस्पांस मिलने वाला है। तो पर्सनली मैं इसे काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी एंड कॉलिंग में आप सबको किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलते हैं। वही बात करें गेमिंग में, तो इसमें आप सबको गेमिंग के लिए 88 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलती है, जो कि काफी ज्यादा लेटेंसी आप सबको यहाँ पे सुनने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे परफेक्ट गेमिंग ईयरबड तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप सबको एक बेस्ट ईयरबड चाहिए जिसमें आप सबको म्यूजिक क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी काफी ज्यादा बेस्ट हो, तो यहाँ पे आप सब Realme Buds T110 ईयरबड्स को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और अगर आप सब भी Realme Buds T110 ईयरबड्स को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो इसका परचेज लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन कर दूंगा, आप सब डायरेक्ट जाके वहां से इसे बाय कर सकते हो। तो गाइज अगर आप सबको Realme Buds T110 ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।